सो हेलो जी, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। और स्वागत आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आगे बात करने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा, चेक इट आउट गाइस। तो मौसम देखिए जरा यहाँ का, हम आ चुके हैं अपने पहाड़ों में। तो सरप्राइज टू ऑल ऑफ यू, तो आज फिर से पहुंच चुका हूँ अपने घर पे अल्मोड़ा उत्तराखंड, हमारे श्यालदेव में, सरायखेत में। तो चेक इट आउट गाइस, मैं तो आपको वहाँ से आप तो नज़ारे ही नज़ारे देखने को मिलेंगे, चारों तरफ हरियाली। और इधर व्यू देखिए गाइस, मतलब ना अनएक्सपेक्टेड। मैं जैसे ही घर में पहुँचा मैंने कहा हाय, अब तो व्लॉग बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन से व्लॉग आने रहा था। दरअसल ऐसा है कि जिस ऐप से हम व्लॉग बनाते थे, जिस एप्लीकेशन से हम एडिट करते थे, वो दरअसल अपडेट आया और बंद हो गया। तो अब वाटर मार्क का सीन आ रहा था, तो इसलिए हम ब्लॉग डाल नहीं पाए। तो सॉरी फॉर दैट, बट आज कल तुम्हें एक ब्लॉग मिल गया होगा, आज दूसरा ब्लॉग है। तो कल आ गए थे हम घर पे, अभी पहुंचे हैं, बट ये ब्लॉग तुम्हें एक दिन में मिलेगा। बट गाइस, नज़ारे देखो जरा सामने, पहाड़ी और बारिश का मौसम। तो घर आते ही, जैसे हम घर में पहुंचे, वैसे घर आते हमें यहाँ बारिश शुरू हो गई और ठंड के मारे हो गई हमारी हालत ख़राब। तो देहरादून में खैर उतनी ठंड नहीं थी, बट यहाँ आके गाइस बहुत ही ज़्यादा ठंड हो चुकी है। तो अभी मिलाता हूँ तुम्हें अपने घर से। तो घर के आसपास देखिए जरा, चारों तरफ खेती खेती हो रखी है। तो अभी चलते हैं फिलहाल हम अपने घर की तरफ। हमारा पुराना वाला घर है, इधर है होंगे हमारी माता श्री और हमारी सिस्टर श्री जी। तो गाइस, हियर इज अवर माता श्री, ये हमारी माता जी, प्रणाम प्रणाम। तो गाइस, मेरे को अभी घर में आया और पहुँचा, मेरे को उधर पहुँचाने लग गए, और इधर ही कहीं हमारी सिस्टर जी भी होंगी। प्रिया, अच्छा प्रिया भी मुंह धो रही है। तो इधर चेक करिए गाइस, भयंकर। और अभी ककड़ी का एंड सीजन आ गया, वो लाल लाल ककड़ी हैं। तो फिलहाल अभी ऐसे ही घूम रहे इधर। अभी आके मैंने जस्ट चाय पी थी, एक रोटी खाई, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लूँ और तुम्हें घर के बारे में बता, क्योंकि इससे पहले हम घर आए थे तो हमने घर का एक्सप्लोर नहीं किया था। बट इस बार फुल मस्ती होगी गाइस, पूरा घर एक्सप्लोर करेंगे हम। फिलहाल मैं अपनी बहन से भी मिलाऊंगा, पर बहन अभी शायद मुंह धो रही है उठ के। मुँह लड़कियाँ होती हैं ऐसी हैं, 8 बजे उठ रही है खड़े जब मैं आया, तभी उससे मिलाएंगे। फिलहाल ये रही गाइस अपनी प्रिया। तो ये रही जबर सिस्टर, अभी उठी है 8 बजे और अभी मुँह भी नहीं धोया, चाय पी ली पहले, अब मुँह धो रही है, उसके बाद मिलाएंगे, फिर उससे भी बात करेंगे। बट चेक इट आउट गाइस, नज़ारा देखिए जरा तुम इधर, पूरा ये छुप छुप के बाथरूम से देख रही है। और इधर है हमारे अखरोट के पेड़। तो बाकी बातें करें तुमसे बाद में, फिलहाल मैं अपने रात को रहने का सिस्टम करता हूँ, क्योंकि मेरा जो रूम है वो उस तरफ है। देखो जरा इसको भाई, इसको सच देख के बताना कि क्या लड़के, सब लड़के ऐसे ही करती हैं, सुबह 8 बजे उठती हैं। तो अभी हम चलेंगे अपने दूसरे घर की तरफ जहाँ मेरा रूम है, तो वहाँ पर बिस्तर लगा के फिर हम फिर करेंगे तुमसे बहुत सारी बातें, फिर बताएंगे तुम्हें घर के बारे में। फिलहाल इधर हम चलते हैं अपने दूसरे घर की तरफ और बिस्तर लगा के फिर तुम्हें फटाफट से बिस्तर लगा के फिर तुमसे बात करते हैं। तो दगड़ो नहा धो के हो चुके हम तैयार, और फिर से आप देखो गांव का मौसम बिल्कुल, अब धूप खिल चुकी है, देख चेक इट गाइस, धूप आ चुकी है गांव में। और बारिश के बाद तो गांव का मौसम और भी सुहाना हो जाता है। खैर देहरादून का मौसम भी बहुत सुहाना होता है, पर गांव का मौसम चेक करिए बॉयज, बॉयज साहब। और इधर हमारी बहनें लगा रखे हैं फूल, और इधर है हमारे ये मक्के के। और फिलहाल बॉयज़ अभी हम जा रहे हैं अपने दोस्त राकेश को मिलने, और अभी जस्ट हम भी काली का फ़ोन आया था कि डार्लिंग मैं मिलने आ रहा हूँ तेरे को। मैंने कहा आ जा भाई, कि काली भी कल दिल्ली को निकल रहा है, बट आपको एक मैं सिनेमेटिक्स दिखाता हूँ गांव का। और एक सिनेमेटिक मैंने बनाया था जब मैं बस से आ रहा था, उस टाइम बनाया था मैंने एक सिनेमेटिक। तो चलिए बॉयज़, अब जल्दी से तुम्हें सिनेमेटिक दिखाते, उसके बाद मैं जाऊँगा राकेश को मिलने, फिर राकेश से ही मिलाऊंगा तुम्हें। फिलहाल चेक कीजिए आप सिनेमेटिक। Thank you.
सो गाइस, आई होप आपको सिनेमैटिक अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही सिनेमैटिक दिखाऊंगा, बाकी कल की वीडियो में, कल की व्लॉग में दिखाऊंगा। तो अब मैं ऐसा करूंगा कि जब तक गाँव हूँ तब तक कंटिन्यू व्लॉग करूंगा, उसके बाद देखते हैं देहरादून जाके फिर कोशिश करेंगे कि व्लॉगिंग कंटिन्यू हो। फिलहाल रास्ता देखिए बॉयज, राकेश भाई के घर जाने का रास्ता कितना डेंजरस है, तो पूरा घास से भरा हुआ रास्ता। और गांव आके तो अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही गाइस, दिल इतना खुश हो गया है। मेरा दिल यहीं अपने पहाड़ों में खो गया। और सामने चेक करिए बॉयज, यहाँ का व्यू भाई साहब, तो व्यू देखिए गाइस फिलहाल तुम यहाँ का। तो आई डोंट नो कि कितने कितने लोग जो हमारे व्लॉग देखते हैं वो पहाड़ से हैं, कितने कहाँ से हैं, बट बॉयज चेक करिए गाइस, ये व्यूज चेक करिए। तो कभी भी आपको घूमने का मन हो कहीं भी, सीधा चले आना हमारे पहाड़, लोकेशन मैं आपको दे दूंगा। तो फिलहाल हम जा रहे हैं अपने राकेश भाई को मिलने, सुबह उनका कॉल आ गया था। सुबह पहले मैंने उनको कॉल किया, राकेश भाई कहाँ हो, तो कहीं जा रहे थे सवारी छोड़ने के लिए, बट अब उनका फ़ोन आया कि मैं घर पे आ चुका हूँ, तो मैं जा रहा हूँ राकेश को मिलने। तो सीधा तो मैं राकेश से मिलाता हूँ। बट गाइस रास्ते में हमें बड़े देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ना सर्प का भी डर रहता है और जोंक तो हमारे यहाँ पे काफ़ी होते हैं। तो फिलहाल चलते हैं फटाफट से राकेश भाई को मिलने। तो दगड़े हम जाना है छन्ने पर राकू घर। राकू दगड़े फाइनली पहुंच चुके हम राकेश भाई के घर में, ये मेरे बचपन के परम मित्र, तो काफी एज में मेरे से काफी बड़े हैं, पर हमारा रिश्ता खून से भी बढ़ता रहा। इधर हमारी माय डियर भाभी जान। तो गाइस ये अपने परम मित्र राकेश भाई, तो आप सभी इनके शादी में इनवाइट है। तो इनके लिए कहीं लड़की मिलेगी, तो भाई ने कहा कि अब शादी करने का टाइम आ चुका है। पर ब्लॉग ब्लॉग ब्लॉग, हाँ, तो बस अब राकेश भाई को मिलने आ गए थे। इनका इनको मैंने सुबह 8 बजे फोन किया था, राकेश भाई कहाँ, तो यही थे वो आदमी जो गाड़ी लेके गए थे घूमने के लिए। तो अभी इनके साथ जाएंगे कहीं घूमने। कहाँ जाना राकेश भाई, कहाँ जाना, जहाँ बोलते हो। तो अभी घूमने चलेंगे फिर। और नीचे हमारी भाभी है, पर वो पता नहीं शर्मा रही है। कहाँ जी भाजी के लिए क्यों भाई। तो दगड़ो अभी हम जा रहे हैं अपने सूरी भाई जागरी के घर में। तो राकेश भाई काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, अभी हमारा काली हमको मिलने आने वाला है। बट चेक इट दिस गाइस, सामने कफल गांव, यहाँ पहले मेरी एक बेस्ट फ्रेंड रहती थी, अब तो फिलहाल उसकी शादी हो चुकी है। बट राकेश भाई के मुंह में स्माइल। बट गाइस चेक करिए जरा यहाँ की लोकेशन। हाई राकेश भाई, लोकेशन तो आप तो स्वर्ग में रहते हो फिर, है ना। मतलब है स्वर्ग से सुंदर है हमारे गांव। स्वर्ग से सुंदर है। तो गाइस चेक कीजिए एक बार आप, अभी थोड़ा मौसम बरसाती मौसम हो रखा है, और अभी हम जा रहे हैं अपने जगरी जी के घर, हमारे नए नवेले जगरी जी। ये छल में जो छल वल लगता है, भूत वूत लगता है, उनको भगाने में एक्सपर्ट है हमारे सुरेंद्र सिंह। नई नवेले जागरी जी हैं, क्योंकि पहले इनका पद हमने हमारे ताऊ जी ने संभाला था। बट चेक इट आउट गाइस फिर से जरा, और सामने मैं बताना चाहूँगा, सामने जहाँ से धुआं आ रहा है वहाँ वैष्णो माता का मंदिर है। हाँ जी सर। फिलहाल हम चलते हैं सूर्य भाई के घर में। हाँ। सुरदा हमारे घर पे हूँ। ओ सुरदा ग्वाले, अरे यार सूर्य भाई जा रखे हैं हमारे ग्वाला, वो अभी वही लगे भीतर ओ वो। तो फिलहाल गाइस सुरेंद्र भाई तो घर में नहीं है, अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, और हमारा काली आ रहा है हमारे घर पे। तो देखो ऐसे होते दोस्त भाई, उसने उसको पता चला मैं घर आ रखा हूँ, तो बेचारा सीधा उसी टाइम दौड़ के आ गया कि मैं आ रहा हूँ, कहीं तेरे को मिलने आ रहा हूँ मैं। और अभी फिलहाल ये चेक करिए गाइस आप, जो सामने ये बड़े बड़े नींबू लग रखे हैं, एक छोटे नींबू होते हैं, पर ये हमारे यहाँ बड़े नींबू भी पाए जाते हैं। और सामने वाला घर हमारा ये पुराने वाला है, उसके उस साइड वाला नया वाला है जहाँ मैं रहता हूँ शाम को। और इधर इसको पहचानिए गाइस, ये किस चीज़ का पेड़ है, अगर कोई पहचान सकता तो बताइए ज़रा किस चीज़ का पेड़ है ये, देखता हूँ पहचान पाते नहीं पहचान पाते हो। और इधर हमारे चीड़ का जंगल, सामने हमारा ताऊ जी का घर है, तो इसी घर में अभी रिसेंटली हमारी ताई की डेथ हुई थी, देखते हैं घर में कोई होगा तो उनको मिलने चलेंगे। बाकी गाइस फिलहाल बरसात का मौसम बना है, और मैं ऐसे घूम रहा हूँ, तबीयत ख़राब ना हो कहीं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर अभी चलते हैं फिर घर को।
उसके बाद फिर शाम को दूसरा व्लॉग करेंगे। फिर अभी हम वेट कर रहे हैं काली का, फिलहाल घर में चल रहे हैं, ये अन्नी के घर में हम फिलहाल। और ये चेक करिए बॉयज, माल्टे ही माल्टे। हो बर्ड, हो। सो आई थिंक गाइज हमारा काली घर पे पहुंच चुका है, तो मुझे उसकी आवाज़ से फील हो रही है कि काली आया घर पे। चलते हैं जल्दी से काली को मिलते हैं, भयंकर ऐसा लग रहा है। ऐसा लगता तो नहीं कि हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, बट अपना दोस्त आया घर पे तो रोज़ ही बात होती है, तो ऐसा लगता है कि हम रोज़ ही मिले हैं। बट आया है कि नहीं आया है माँ? फाइनली अपना काली आ चुका है इधर। ये हम बैठ जा, आजा काली भाई। भाई 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 भाई, ओ भाई साहब, भाई भाई भाई, बिग फैन बिग फैन बिग फैन। तो पुली गाइस हमारा काली पहुंच चुका है हमारे घर पे, और अभी का मौसम चेक करिए बॉयज। हाँ तो गाइस अपना काली यहाँ पे लेट चुका है। हाँ बताऊँ तो मैं, क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ? हाँ बंद करना तब तो बताओ ना आंसर ना, पहले बताओ। अब काली का दुपड़ा यहाँ पे सुनने वाले हम। मैं अपने तो गाइस खाना वाना खा के हम अब फाइनली जा रहे हैं अब अपने तीसरे घर में। तो एक घर मेरा हो गया, काली का हो गया, और एक हो गया फिर हमारे हिम्मू का। तो हिम्मू के घर जा रहे हैं दादी आदि को मिलने। तो उसके बाद अभी हम हैं सराखे वाले रास्ते में। और लुक एट हियर गाइस, कौन है हमारे आगे से, कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, पीठ में बैग टांग के जूते भी है काया। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं हिम्मू के घर पे। तो हिम्मू तो है नहीं, पर फिलहाल दादी और हैं, ताई और उनको मिलने जा रहे हैं। तो फिलहाल आप पीछे चेक करिए बॉयज, भाई साहब। तो यही खासियत अपने पहाड़ की कि हर टाइम मौसम बिल्कुल सुहाना रहता है। काली भाई, हाँ जी भाई, सही बोल रहे। क्यों सही बोल रहे? तो ऐसे मतलब हमारे अहोभाग्य हैं कि हमने उत्तराखंड में जन्म लिया है। सही बात है, स्वर्ग से कम नहीं है ये। पतिड़ा, हाँ इसका नाम गाइस, इसका नाम पतिड़ा है। ये इंस्टाग्राम पे भी आता है कि लोकेशन एट पतिड़ा। वो लोकेशन मैंने बनाई है पतिड़ा। हाँ। है तो गाइस फेसबुक में ना जो भी लोकेशन है ओडिया सेंड करके है, पतिड़ा करके है। तो वैसे मैं अपनी बढ़ावा नहीं करना चाहता, बट स्टार्टिंग भाई ने की थी उस टाइम पे। लोकेशन अपने गांव का नाम भी मैंने भी डाला है, वो पेज भी हमारा उस पर। खैर फोटो पड़ती नहीं, पर डालते हैं। और ये हमारा पत्ती रहिया है, तो इसका व्लॉग हम नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा तुम्हें कि क्या क्या है ये पत्ती डैम है। फिलहाल चलते हैं हम सीधा सराय खेत की तरफ। और मैं आया हूँ चप्पल में, और काली ने शूज़ पहने हैं। यार काली का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें मिलने आए, क्योंकि काली कल जा रहा है दिल्ली की तरफ विज्जू के पास। तो गाइस फिलहाल इस ब्लॉग के एंड हम यहीं पे करते हैं, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है। तो अगला हम सरायकेला जा रहे हैं, उसका वीडियो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखोगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय 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 बाय।